नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास है कूलर, ये कैन स्टार का है और टर्बो कूल डीएक्स मॉडल नाम है। तो पहले हम आप लोग को दिखा दें बाहर का इसका लुक। इसको दिखाने का मेन मकसद है कि अंदर ये ठंडा कैसे होता है हवा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देखिए, सामने यहाँ ये एयर के लिए है, एयर फ्लो यहाँ से होगा और एयर फ्लो को कंट्रोल यहाँ से करना होगा। ये एयर फ्लो कंट्रोलर है और ये अंदर दिखा देंगे क्या काम करता है। अभी ये ख़राब है तो हिल डुल आपको नहीं दिख रहा होगा, ये इधर उधर हिलता है स्पिन होने के लिए। ये दोनों वही है और ये फंक्शन की है, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, स्विंग बढ़ा सकते हैं, कूल स्विंग। तो ये दिखाने का मेन पर जो मकसद है, ये सब दिखाना नहीं है हम लोग को, बस अंदर ये काम कैसे करता है, हवा को कैसे ठंडा करता है। ये देखिए, इसमें लकड़ी का बुरादा टाइप का है लेकिन ये छीला गया है लकड़ी को, है अमेरिका का कोई लकड़ी होता है, नाम नहीं जानते हैं, कोई पेड़ का होता है। और ये हमेशा भींगा रहता है जब ये पानी डालते हैं और ये पंखा चलता है तो ये भींग के रहता है ताकि अंदर का जो वातावरण है, ये जो जो गर्म रहता है उसको ये ठंडा कर देता है ताकि आपको बाहर हवा ठंडा दे। इसको जाली में पैक किया गया है, इसका नाम हम बताएंगे। ये टॉप साइड है, यहाँ पानी डालना होगा, पानी डालने के लिए छोटा सा रखा बना हुआ ताकि बाहर फ्लो ना हो पानी। ये अंदर जाएगा यहाँ से, देख लीजिए यहाँ से पानी अंदर जाएगा। अब इसको बंद करते हैं, अब दाएं साइड आएंगे। ये पावर के लिए दिया गया है और इस साइड भी देखिए ये दिया हुआ है, वुड उल पैड है इसका, जो नाम हम आप लोग को बता दिए, नेट में सर्च करके देखें। और यहाँ ये निकासी वाला है, जब पानी भीतर भर जाएगा तो यहाँ से बाहर फ्लो करके बाहर आ जाएगा कि इससे ज़्यादा और पानी नहीं रहना है। ये है कूलर का बैक साइड और यही हम लोगों का द्वार है घुसने के अंदर। तो ये दो लगा हुआ है स्क्रू, ये हम लोग को खोलना है, तो चलिए हम इसको खोलते हैं। तो ये खुल चुका है, तो चलिए हम लोग खोलते हैं इसको। तो चलिए हम लोग उसका बैक साइड खोलते हैं। ये जो हाथ रखे हुए हैं यहीं से हमको ठेल के निकालना है इसका जो बैक साइड है। अब इसको ऊपर टान के निकालते हैं, अब ये निकल चुका है। तो चलिए हम लोग पास नज़दीक होके देखते हैं। ये देखिए, इसमें वुड उल पेड लगा हुआ है और ये जो हम बताए कि लकड़ी से काट के बनाया गया है और इसको एक जाली नुमा एक थैला जैसा बना हुआ है इसमें पैक किया गया है ताकि ये बाहर ना निकले। और ये तीनों साइड लगा हुआ है, पीछे साइड, दाएं और बाएं, और सामने तो इसका ये है हवा बाहर निकालने के लिए है, तो हवा को निकलने देने के लिए ये छेद बना हुआ है छोटा छोटा। तो चलिए हम लोग अंदर घुसते हैं। दिखाने का मेन मकसद है कि ये काम कैसा करता और अंदर होता कैसा है। बाज़ार वाले तो देखे हैं लेकिन जो गाँव देहात में रहते उनको ये नहीं पता और हमको भी नहीं पता था, तो ये देख के हमको अंदाज़ा लगाना है कि ये ठंडा कैसे रखता है हवा को। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा खट्टारा हो चुका है और खट्टारा है इसीलिए तो हम लोग आप लोग को दिखा रहे हैं कि अंदर होता कैसा है। तो ये पूरा पुराना हो चुका है और हम दिखाना चाहते हैं कि अंदर ये का भाग कैसा होता है। ये देखिए, ये टंकी है, ये छोटा सा टैंक है पानी स्टोर करने के लिए। और पानी स्टोर कहाँ से करना है, ये जो पाइप लगा हुआ है यहाँ, ये जॉइंट है और यहीं पानी डालना है, यहाँ ऊपर जो हम आप लोग को दिखाए थे ये ऊपर से पानी डालना है और ये नीचे आ जाएगा इस पाइप के द्वारा और ये टंकी पे यहाँ जमा हो जाएगा। और जैसे ये टंकी पे पानी बढ़ जाएगा इतना इस लेवल का, तो ये ओवरफ्लो होने के बाद ये बाहर से फ्लो हो जाएगा और इसीलिए इसको दिया गया है। इसके बाद ये ठंडा कैसे करता है हवा को, ये पंखा है, इसमें पंखा लगा रहता है। अब ये पूरा पुराना हो चुका है तो इसमें हम लोग इसको हटा दिए हैं, तो ये जब बिजली से कनेक्ट हो जाएगा तो ये घूरेगा। और ये वैसे तो हवा तो गर्म रहेगा लेकिन हवा को ठंडा रखने के लिए ये पानी फेंकेगा हवा यहाँ इसमें, और ये पूरा भींग जाएगा ये सब और जो बाहर हम लोग रखें वो सब, तो ये पूरा भींगा रहेगा, तो ये अंदर का जो हवा है वो गर्म ना रह करके ठंडा हो जाएगा और इसके बाद ठंडा हवा ये बाहर फेंकता है। ये एक और पाइप है, एक और पाइप तो ये हुआ, इससे पानी आएगा और ये एक पाइप है, ये पाइप कनेक्ट है इस पाइप के द्वारा और ये पाइप यहाँ चारों बगल जाता है यहाँ तक और फिर उस साइड जाएगा, उतने ही लंबाई तक जाएगा। और ये पाइप जो जुड़ा हुआ है देखिए, ये डायरेक्ट इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें ये ज़रूरी तो है ही, इसमें हवा घुसेगा। ये छोटा छोटा छेद बना हुआ है देखिए, एक दो तीन, इसी तरह बहुत सारा छोटा छोटा छेद बना हुआ है ताकि ये जो हवा है यहाँ का, जो हवा गर्म होकर ठंडा होता है तब ये हवा यहाँ घुसता होगा और इस पाइप के द्वारा ये खींच के लाता होगा इसमें और तब यहाँ आता होगा ये हवा और यही ठंडा हवा को बाहर फेंकता है।
और इसी के चलते ज़्यादा देर ठंडा रहता है, ये भींगा हुआ रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। ये आपको दिखेगा ही नहीं कि ये सड़ा हुआ है। अगर हम सोच रहे थे कि पुआल होगा, लेकिन ये पुआल नहीं है, पुआल रहता तो ये सड़ता, क्योंकि पुआल एक साल से ज़्यादा टिकता नहीं और ज़्यादा देर भीगा रहेगा तो वो सड़ता ही सड़ता है और भी महकता भी कुछ अलग टाइप का है, लेकिन ये ना तो महकेगा और ना ही सड़ता है, अभी तक नहीं सड़ा है देखिए। और ये एक एयर को इधर उधर करने के लिए, ये जो बाहर से हम आप लोग को दिखाए थे, ताकि ऊपर करेंगे तो नीचे हवा जाएगा और नीचे करेंगे तो ऊपर हवा जाएगा। और ये शायद ख़राब हो गया है, इसको लेफ्ट और राइट करने के लिए ये विंग दिया गया है, या पंखा जो भी बोलिए, विंग ही है। तो ये स्पिन होने वाला होगा, लेकिन अब ख़राब हो चुका है, तो ये पूरी तरह से हिल ठीक से, ये तो पूरी तरह से खटारा हो चुका है, तो ठीक से नहीं दिखा पाए कि पंखा कहाँ अटका रहता है या कहाँ लगा रहता है। ये चारों बगल देखिए, ये एक लोहा है, ये एक लोहा और ये एक लोहा, और यहाँ इसी के बीच में ये पंखा ये लगा रहेगा यहाँ, और ये होल्डर है इसका पंखा का, लेकिन ये ख़राब हो चुका है, इतना खटारा हो चुका है कि बिना परमिशन मांगे हम लोग दिखा रहे हैं, बाकी सब हम लोग को देखना भी और दिखाना भी था। तो ये बीच में अटका रहता और यहीं से ये काम करता, और ये जो भींगने का शायद हमको लगता है ये इसी पंखा से पानी फेंकता था शायद इसमें और पीछे भी, ताकि भींगा रहे ये सब, और इसी से ये ठंडा होता था और इस पाइप से होकर के हवा आता था और इसमें से भी कुछ हवा जो भीतर आता और ये बाहर फेंक देता था। तो इसी तरह से आप लोग को ठंडा जो हवा लेना है तो ऐसे ही हवा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जो दिखाने का था हम दिखा दिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्कार।